नमस्कार, अजस्टो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्टो मनी गुरु साहब सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 24 जनवरी, वार है बुधवार। शो में बात करेंगे गेहूं की पैदावार के बारे में। जी हां, कटाई से पहले बढ़े हुए तापमान से गेहूं की पैदावार कम हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा फरवरी मार्च यानी कि गेहूं की फसल की कटाई से पूर्व अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ अधिक होने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम में होने वाले बदलाव से गेहूं की पैदावार पर असर पड़ने के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खेतों में बोई गई हर वैरायटी की प्रतिरोधक क्षमता अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम नहीं होती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के गेहूं उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान अगले महीने में ही सामान्य स्तर से ऊपर जा सकता है। सूत्रों ने यही बताया है कि करीब एक सप्ताह बाद भारतीय मौसम विभाग फरवरी मार्च में रहने वाले तापमान और सामान्य से अधिक रहने के विवरण का भी पूर्वानुमान जारी कर सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय पंजाब में अधिकतम तापमान 12.12 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में 18 डिग्री सेल्सियस व उत्तर प्रदेश में 22.6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सोमवार को औसतन अधिकतम तापमान पंजाब में सामान्य से 7.7 डिग्री सेल्सियस नीचे, हरियाणा में सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस कम व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 5 से 9 डिग्री सेल्सियस तक कम बताया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि IMD द्वारा तापमान और बरसात के बारे में बताए गए पूर्वानुमान की शुद्धता की अवधि 5 दिन तक की है और इस अवस्था में कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता है। फसल पर उच्च तापमान का क्या प्रभाव रहेगा, ये फसल की अवस्था और तापमान में होने वाली वृद्धि की स्थिति तय करेगी। और इसके अतिरिक्त मार्च के महीने में यदि 5 दिन तक रात का तापमान ठंडा रहता है तो दिन के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश दुनिया की खबरें दे सकें। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत करनाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड वाले रिसर्च के डायरेक्टर ने बताया है कि जिस गेहूं की बुवाई 25 नवंबर तक की समान अवधि के दौरान हो चुकी थी और आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम साफ रहा तो फसल पहले हो सकती है, अन्यथा फसल में 3 से 5 दिन की देरी होगी। इस समय उत्तर पश्चिमी के कई हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है, दिन में बहुत कम धूप दिखाई देती है। वहीं जोर देते हुए कहा गया है कि फसलें जल्दी बोई गई थीं, उन पर फरवरी के महीने में तापमान के बढ़ने का कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन फसलों की बुवाई देरी से हुई है और इस पर मार्च में बढ़ने वाले तापमान का प्रतिकूल असर पड़ सकता है। दोस्तों, अजस्ट्रो मनी गुरु बैलेंस कम्युनिटीज पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें। नमस्कार।